अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्याम और आप देखें यूटेक चैनल। आज मैं आपको हार्ड ड्राइव के जो इशू होते हैं और चल चल के आप हार्ड ड्राइव रिस्पॉन्ड नहीं करती है और चल चल के डिस्कनेक्ट हो जाती है या आपकी फाइल्स जल्दी जल्दी कॉपी नहीं करती हार्ड ड्राइव, वो मैं आपको इशू सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहले आपको ये किट ओपन कर लेनी होगी। यहाँ पर ये आपको लेयर्स दिख रहे हैं, इनके ऊपर आपको स्क्रैच करना होगा मोबाइल वाले स्क्रू ड्राइवर से। जब भी आप अपनी किट खोलेंगे तो ये लेयर्स काली होंगी और इनके ऊपर जंग लगी होगी। तो ये आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा मोबाइल वाला, तो ये आपको आसानी से स्क्रैच करके देगा। यहाँ पर आपको स्क्रैच करना है इन तीन पिंस के ऊपर, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको स्केच करना है और इस पर भी आपको स्केच करना है। ये साटा केबल्स की पिंस हैं, ठीक हो गया। तो इसके इनके ऊपर आपको स्केच करना है स्क्रू ड्राइवर से, जो मोबाइल वाला है तो इजीली इसकी नोक जो है वो इनके ऊपर फिट होकर आपको स्केच करके इजीली आपको सही करके देगी और आप आराम से इसकी जंग उतार पाएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर एरो दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको स्केच करना है। ये बेसिकली पावर केबल की जो पिंस हैं वो ऊपर आपको स्केच करना होगा और इनके ऊपर भी आपको स्केच करना होगा। यहाँ पर ये साटा केबल्स की पिंस हैं तो इनके ऊपर भी स्केच करना होगा। ये मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें, ये ट्रिक डेफिनेटली वर्क करती है और ये ट्रिक मैंने खुद ट्राई की है तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इनके ऊपर भी आपको स्केच करना है। ये जो पिंस हैं वो कापर की बनी होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि इतना नहीं रगड़ना है स्क्रू ड्राइवर से कि आप इसकी जो डॉट इनके ऊपर आपको थोड़ी नोक दिख रही होगी ब्लैक कलर की हो, तो इनके ऊपर आपको ये हल्की सी डॉट दिख रही है तो इनके ऊपर आपको ध्यान से स्केच करना है। तो ध्यान रखें कि इसकी जो डॉट है वो उतना नहीं चाहिए। आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करें। जब भी आप ये ट्रिक ट्राई करके आप अपनी पीसी में लगाएंगे हार्ड ड्राइव, आप देखेंगे आपकी स्पीड जो है हार्ड ड्राइव की वो इंक्रीज हो चुकी है, आप ये देखेंगे, और आपकी जो फाइल्स हैं जो वो डेटा जो हैं जल्दी जल्दी इसमें स्टोर होगी। तो ये मैं आपको किट लगा के सब कुछ फिक्स करके मैं आपको पीसी ऑन करके दिखा देता हूँ। तो अब हम इन इस किट के ऊपर ये स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्क्रू हैं स्क्रू ड्राइवर से इतने नहीं कसने हैं कि आपको बाद में खोलने में दिक्कत हो। आप फिर भी चेक कर लें कि आपके स्क्रू ड्राइवर एकदम एक्यूरेट मतलब कस चुके हैं या नहीं, वो देखें आप अपने हिसाब से देखें। और ये ध्यान रखें जो ये स्क्रू हैं किट के ऊपर लगे हुए हैं वो इतने ना कसें, ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो ये हमारे स्क्रू लग चुके हैं। तो हम सीपीयू में ये हार्ड ड्राइव लगा के मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये रिस्पॉन्ड करती है या नहीं करती है। ये 1 TB है, 1 GB मतलब 1000 GB की है। तो ये साटा केबल और पावर केबल लगा के मैं पीसी ऑन करके दिखाता हूँ। ये पोर्ट भी चेक कर लें कि इसमें केबल लगी हुई है या नहीं। तो ये मैं आपको पीसी ऑन करके दिखा देता हूँ कि ये हार्ड ड्राइव रिस्पॉन्ड करती है या नहीं करती। यहाँ पर ये देखें ये पार्टीशन शो कर रहे हैं इस हार्ड ड्राइव के, ये शो कर रहे हैं पार्टीशन। तो इसमें मेरे सीपीयू में 2 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं, एक 250 GB की और एक 1000 GB की है। जब
जब आपकी रिस्पॉन्ड नहीं करती तो जो ये पार्टीशन हैं वो शो नहीं करते हैं, ये गुम हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको चेक करवा देता हूँ डिस्क मैनेजमेंट में जाके कि कितने हार्ड ड्राइव लगे हुए हैं और ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। पार्टीशन तो आप देख चुके हैं वर्क कर रही है, ये देखें यहाँ पर 250 GB और इसके नीचे ये 1 TB 1000 GB। तो ये ट्रिक डेफिनेटली वर्क करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।